स्वागत है गाइस टेक के चैनल पर। तो गाइस Samsung Galaxy M35 5G को भाई पहला सॉफ्टवेयर अपडेट मिल चुका है और अभी फोन को रिलीज हुए सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं। 7 to 10 days के अंदर ही पहला सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंडिया के अंदर Samsung ने पुश कर दिया है। तो भाई M35 सीरीज को वैसे भी आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर अपडेट की शुरुआत हो चुकी है और अपडेट करने के बाद जो इश्यूज थे इस फोन के अंदर, जैसे कि 4K HDR में वीडियो प्लेबैक, क्या वो चीज सही हुई है, क्या वो हो भी सकती है कि नहीं, इसके अलावा क्या इन्होंने पुश किया है, क्या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करे हैं, सारी चीजें करें आपको बताने वाला हूं। सीधे डिवाइस आपको लेके चलता हूं, अच्छा लगे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर करके जाना। तो चलो आपको सीधे मैं डिवाइस पे ही लेके चलता हूं। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे Samsung Galaxy M35 5G, तो यहां पे मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, तो आपको मैं लेके चलता हूं यहां पे लास्ट अपडेट। जो साइज है सॉफ्टवेयर अपडेट का वो है 284 MB। इसमें सिक्योरिटी पैच को 1 जुलाई का कर दिया गया है, इसके बाद डिवाइस स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया, बग फिक्स कर रहे हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस। तो भाई परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए ना मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था एंटीटू स्कोर का अपडेट करने से पहले, तो वो था 6,12,000 के आसपास, और मैंने दोबारा से बेंचमार्क्स रन करे अपडेट करने के बाद, तो अब इसको आ रहा है 6,15,000, जो कि इंप्रूवमेंट है। बैटरी ड्रेन जो हुआ 3% हुआ और टेम्परेचर रेस 3.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वो भी एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट या बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है बैटरी लाइफ वगैरह के अंदर, तो वो भी सब बराबर सही है, ठीक है। और यदि आप परफॉर्मेंस हटा दो एंटीटू स्कोर वाली भी, तो यदि आप नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह खोलोगे तो जैसे ये डिवाइस पहला परफॉर्म कर रहा था ना वैसे ही अभी परफॉर्म कर रहा है। जो मेरे पास वर्जन है वो है 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज, तो भाई मेरे हिसाब से डिसेंट है। आपको हल्के फुल्के माइनर लैग्स दिख सकते हैं, जिटर लैग्स दिखेंगे, ठीक है, बट वो सैमसंग की कोई भी आप डिवाइस 120,000 लोगे मिनिमम जो रैम वेरियंट है 6 GB RAM आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वो चीज़ ऐसा ही है। अब भाई दूसरी चीज़, इसके अंदर 4K 60 FPS के क्या वीडियोज़ प्लेबैक हो सकते हैं अपडेट करने के बाद? तो भाई देखो मैंने ये वीडियो प्लेबैक कर दिया आपके सामने और इसमें हम सेटिंग्स करेंगे 4K 60 FPS वाली HDR वाली, और आप थोड़े शॉक हो जाओगे कि अभी भी आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने 4K 60 FPS पे इसको स्विच किया, इसने लोडिंग ली, मैं दोबारा से सेटिंग्स में जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी है 360p 480p पे स्विच कर गई है। तो भाई अभी तक वो जो इशू है Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ है वो इस अपडेट में फिक्स नहीं हुआ है। यदि आपको याद हो पिछले साल एक फोन रिलीज हुआ था Samsung का F54 5G, तो भाई उसमें भी सेम प्रोसेसर था Exynos 1380 और उसमें भी सेम ही इशू था, और एक साल हो गया भाई उसके अंदर भी अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ। तो भाई बहुत ही कम चांसेस है कि भाई इस फोन के अंदर भी 4K 60 FPS में आप वीडियो प्लेबैक कर पाओगे, तो भाई ये ध्यान रखना। 4K 30 FPS में आप चला सकते हो बट 4K 60 FPS में तो आप भूल जाओ, ठीक है भाई। दूसरी चीज़, 5G वगैरह बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़िया है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब बढ़िया हो रही है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, बैटरी लाइफ आराम से 9 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम निकाल के दे रहा, तो वहाँ पे कोई भी इशूज़ है नहीं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टेबल अपडेट आप कर सकते हो, और यदि आपने डिवाइस खरीद रखा है और आपने अपडेट कर लिया है तो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट सेक्शन में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस डिवाइस के साथ। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यदि कोई मेरा बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी लौटा, बाय बाय, सी यू।